नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश गुप्ता अपने चैनल मोबाइल वाले में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने सीखा था पद्य उपन्यास और कहानियों को कहां से कैसे डाउनलोड करें और पढ़ें दोस्तों मोबाइल में। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो यानी आज की वीडियो हम जानेंगे कि किसी पद्य को, पद यानी कविता यानी गज़ल को कहाँ से डाउनलोड करें और कहाँ से उसको पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम खोल लेंगे। क्रोम खोलते ही उसमें सर्च करेंगे कविता कोश। जिसको खोल लेंगे दोस्तों, इसको खोलने के बाद, जैसा कि मैं सर्च करने के लिए आया हूँ कुंवर बेचैन जी को पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क टाइप करेंगे। क टाइप करते ही देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये अब यहाँ से देखिए कुंवर बेचैन कहाँ पे हैं। आगे जाएंगे दोस्तों, कुंवर बेचैन ये देखिए दोस्तों, कुंवर बेचैन जी की सारी गज़लें और कविताएं खुल जाएंगी यहाँ से। और जैसा कि आप जानते हैं, उनकी एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ वो कविता, ये देखिए, ये कविता गजब की कविता है दोस्तों। अब आग के लिबास को ज़्यादा न दाबिए, सुलगी हुई कपास को ज़्यादा न दाबिए, ऐसा न हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिलें, चटके हुए गिलास को ज़्यादा न दाबिए, चुभकर कहीं बना ही न दे घाव पाँव में, चुभकर कहीं बना ही न दे घाव पाँव में, पैरों तले की घास को ज़्यादा मत दाबिए। मुमकिन है खून आपके दामन पे जा लगे, मुमकिन है खून आपके दामन पे जा लगे, जख्मों के आसपास को ज़्यादा न दाबिए, पीने लगे न खून भी आंसू के साथ साथ, यो आदमी की प्यास को ज़्यादा न दाबिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं सर्वेश गुप्ता अपने चैनल मोबाइल वाला पर लाता रहूँगा।